वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में ठीक है लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर की जनरेशन देखी थी एंड उससे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने वहाँ पे कवर किए थे देखो किसी आ, किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि क्या ये क्लासेस जो चंडीगढ़ पी टी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल रहेगी या नहीं तो यहाँ पे देखिए कि ये क्लासेस वैसे तो हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ पे हम कंप्यूटर को एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो जिन्होंने भी आपका एग्जाम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं तो वो ये क्लासेस देख सकते हैं उसके अलावा चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक उन्होंने अपना कोई ऐसा पूरा डिटेलिंग का सिलेबस नहीं अपलोड किया है उन्होंने सिर्फ मैंशन किया है आई ठीक है तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि अगर वो एकदम डिटेलिंग सिलेबस दे दे तो हमें पता चले कि वो आई में कौन कौन से टॉपिक्स और एड कर रहे हैं या कौन सा टॉपिक वो रिमूव कर रहे हैं तो इसीलिए वो यहाँ पे अभी तक एकदम क्लियर नहीं हो पाया है कि उन्होंने कौन से टॉपिक वहाँ पे ऐड करने हैं कौन से रिमूव करने हैं क्योंकि जैसे कि अगर हम पी की बात करें तो आपके चंडीगढ़ पी में कंप्यूटर बेसिक ऐड नहीं था केवल ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका एमएस ऑफिस ही उन्होंने ऐड करके दिया था लेकिन जो आपका जे और एन का जो एग्जाम है उसमें आपका कंप्यूटर पूरा है कंप्यूटर बेसिक भी है इंटरनेट भी है आपका एमएस ऑफिस भी है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है ठीक है फिर भी अभी तक जब तक अपडेटेड सिलेबस नहीं आता आप जिन्होंने भी टीजीटी के फॉर्म फिलअप किए हुए हैं वो यहां से अपनी एक बार क्लासेस देख ले क्योंकि क्लासेस तो हेल्पफुल रहेगी ही अगर आपका डायरेक्टली एमएस ऑफिस और ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐड हो जाता है तब भी आपको कंप्यूटर बेसिक तो पता होना ही चाहिए ठीक है तो जेबीटी एन टी टी और आपका टीजीटी तीनों के लिए क्या रहेगा ये जो क्लासेस हम अभी कर रहे हैं स्टार्ट आज की हमारी ये थर्ड क्लास है वो आपके लिए हेल्पफुल है एग्जाम में ठीक है इसके अलावा कोई और एग्जाम भी अगर आप फिलअप करोगे तो उसके लिए भी उसमें भी आपके ये क्या आएंगे काम आएगी चलिए यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखो यहाँ पे तीन कैटेगरीज में हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया है फर्स्ट है आपका साइज के बेसिस पे सेकेंड यहाँ पे आपका है फंक्शनैलिटी कार्य के आधार पर थर्ड है आपका पर्पज उद्देश्य के आधार पर ठीक है जो साइज है और यहाँ पे जो ये कार्य है फंक्शनैलिटी ये वाले जो टाइप्स है ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी इनके डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो आप इजीली देख के ऑप्शंस देख के टिक कर सकते हो तो आकार के आधार पर आपके चार हैं हमें ये भी पता होना चाहिए कि साइज के बेसिस पे कितने कंप्यूटर हैं तो टोटल फोर टाइप्स में ये डिवाइड हुए हैं फंक्शनैलिटी के बेसिस पे थ्री टाइप्स में डिवाइड हुए हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने हैं वो ठीक है तो यहाँ पे फोर है यहाँ पे थ्री है एंड उद्देश्य के आधार पर दो है सामान्य उद्देश्य है, मतलब कि जनरल पर्पज कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर मतलब कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कार्य के आधार पर आपके हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर साइज के बेस पे देखें तो माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई आप ये बताओ एग्जामिनर पूछेगा कि साइज के बेसिस पे कंप्यूटर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है तो फोर थ्री टू फाइव इस तरह से तो हमें पता है फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कार्य के बेसिस पे फंक्शनैलिटी के बेसिस पे उसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उद्देश्य के बेसिस पे पर्पज के बेसिस पे उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया तो एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया सेकेंड क्वेश्चन इस डायग्राम से क्या बनेगा कि वो हमें चार ऑप्शंस देगा माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और हाइब्रिड कंप्यूटर ये चार ऑप्शन दिए अब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक अलग है तो ये माइक्रो मिनी मेन फ्रेम आपको पता है साइज के बेस्ट पे है और हाइब्रिड आपका यहाँ पे फंक्शनलिटी के बेस पे है तो हाइब्रिड क्या हो जाएगा वो अलग हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपका जो डायग्राम है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है अब चलिए वन बाय वन इन सभी कंप्यूटर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट आता है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वे होते हैं जो किसी एक विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं मतलब उनको जिस काम के लिए बनाया गया है वो केवल वही काम करेंगे उसके अलावा आप उनको किसी दूसरे काम में यूज नहीं ले सकते एग्जाम्पल क्या क्या है आपके यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष विज्ञान में मौसम विज्ञान यातायात नियंत्रण ट्रैफिक कंट्रोल इनमें जो आपके कंप्यूटर्स यूज होते हैं ना वो केवल इन्हीं काम के लिए यूज होते हैं जैसे आपने देखा होगा जो ट्रैफिक लाइट्स होती है वो ट्रैफिक लाइट्स में जो कंप्यूटर यूज होता है वो केवल उन ट्रैफिक लाइट्स को ही कंट्रोल करता है आप उस कंप्यूटर को वेदर फोरकास्टिंग में मौसम विभाग में आप उसको यूज नहीं कर सकते तो मतलब वो क्या हो गए आपके स्पेशल पर्पज कंप्यूटर हो गए ठीक है इतना में समझ में आया फिर सेकंड है आपका जनरल पर्पज कंप्यूटर अब जनरल पर्पज कंप्यूटर वे होते हैं जो हम यूज करते हैं जो हम अपने घरों में आप देखते हो बैंकिंग में देखते हो आप कम्युनिकेशन के लिए बिजनेस एजुकेशन इनमें जो कंप्यूटर्स देखते हो ना वो है आपके जनरल पर्पज कंप्यूटर क्योंकि इनमें आप अलग अलग काम कर सकते हो यहाँ पे आप गाने सुन सकते हो कुछ भी सर्च कर सकते हो वीडियो गेम खेल सकते हो मूवी देख सकते हो कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो कोई डेटा क्रिएट कर सकते हो कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हो ईमेल भेज सकते हो तो मतलब एक साथ आप एक ही कंप्यूटर में अलग अलग काम कर पा रहे हो तो ये क्या हो गए आपके जनरल पर्पज कंप्यूटर हो गए ठीक है दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया इन दोनों कंप्यूटर से इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका एनालॉग कंप्यूटर अब यहां पे देखिए जो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर है इनको समझने से पहले समझिए कि सिग्नल क्या होते हैं कितने टाइप के होते हैं तो देखो सिग्नल दो टाइप के होते हैं फर्स्ट है आपका एनालॉग सिग्नल एंड सेकंड है आपका डिजिटल सिग्नल अब एनालॉग सिग्नल को अगर हम डायग्राम के फॉर्म में शो करें तो वो इस तरह से शो होगा और डिजिटल सिग्नल्स के डायग्राम कैसे होंगे वो इस तरह से होगा ठीक है अब एनालॉग सिग्नल जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं आप आपने अपनी कभी जो फिजिक्स की लैब है साइंस की लैब है उसमें आपने मेजर की होगी ना एक्सपेरिमेंट किए होगी तो वहां पे आपको जो मेजरिंग यूनिट आती है वो आती है ना आपकी जीरो पॉइंट कुछ वन पॉइंट कुछ तो एक तरह से यहाँ पे भी जो एनालॉग सिग्नल है ना इनमें भी आपकी जो ये यूनिट होती है ना ये जो वैल्यूज होती है वो आपके जीरो पॉइंट वन पॉइंट कुछ भी हो सकती है जरूरी नहीं है केवल जीरो और वन ही हो ठीक है पॉइंट में भी आ सकती है इसके अलावा यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नल है इसके अंदर केवल दो ही वैल्यू आपको देखने को मिलेगी या तो जीरो या फिर वन नीचे है तो जीरो ऊपर है तो वन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो मैंने आपको कहाँ पे बताए थे जब मैं आपको लैंग्वेजेस uh, बता रही थी मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज जब मैं आपको वहां पे बता रही थी कि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है मतलब जीरो और वन की लैंग्वेज को वो समझता है तो वो जीरो और वन यहाँ पे क्या है आपके डिजिटल सिग्नल्स है अब सिंपल सी डेफिनेशन तो ये है कि जो कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल समझेगा वो एनालॉग कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल समझेगा वो डिजिटल कंप्यूटर होता है और जो कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास रखेगा वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ठीक है ये क्या हो गई आपकी सबसे बेसिक सी डेफिनेशन है सिंपल सी डेफिनेशन है एग्जाम में पूछ ली जाती है डायरेक्टली डेफिनेशन भी ठीक है तो यहां देखिए उसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर्स के लिए एक कीवर्ड है वो है आपका फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक मात्राएं जहां पे भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिले और आपसे पूछा जाए कि कौन सा कंप्यूटर यूज होगा तो एनालॉग कंप्यूटर्स यूज होंगे ठीक है ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राएं फिजिकल क्वांटिटीज जैसे प्रेशर तापमान टेम्परेचर वेट वोल्टेज लेंथ स्पीड इन सब को मेजर करके उनके रिजल्ट को अंकों में नंबर्स में क्या करे प्रेजेंट करे और उपयोगकर्ता मतलब कि यूजर को वो समझ में आ सके उसे क्या कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं स्पीड की अगर बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर स्लो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर फास्ट होते हैं एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वॉल्टा थर्मोमीटर स्पीडोमीटर बैरोमीटर सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ ये भूकंप मापने का एक डिवाइस है रिजल्ट की बात करें तो इनके रिजल्ट 95 टू तो 99 परसेंट तक एक्यूरेट होते हैं लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर है उनके रिजल्ट 100 परसेंट एक्यूरेट होते हैं अगर डिजिटल कंप्यूटर का रिजल्ट गलत आया है तो इसका मतलब आपने इनपुट गलत दी है ठीक है आपने कुछ गलती करी है उसका रिजल्ट उस जो भी उसको इनपुट मिली है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है तो यहाँ पे किसकी गलती होती है यूजर की गलती होती है क्योंकि उसने इनपुट गलत दी इसलिए रिजल्ट गलत आया अदरवाइज डिजिटल कंप्यूटर का रिजल्ट क्या है हंड्रेड एक्यूरेट होता है एग्जाम्पल की बात करें डिजिटल कंप्यूटर की तो डेस्कटॉप लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच कैलकुलेटर ये सब क्या हो गई आपकी डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हो गए ठीक है हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने आपको बताया कि इसमें एनालॉग एंड डिजिटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे जो आपकी इनपुट और आउटपुट होगी वो एनालॉग के फॉर्म में होगी मतलब ये इनपुट है एनालॉग में एंड ये आउटपुट मिली आपको एनालॉग में अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो डिजिटल में हो रही है कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको हाइब्रिड कंप्यूटर आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेगा आपने ईसीजी मशीन देखी होंगी तो वो क्या है आपने देखा होगा कि वो इस तरह से ही रिजल्ट को शो करती है ये ईसीजी मशीन क्या है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है अब यहाँ पे देखिए ये है एनालॉग सिग्नल ये डिजिटल आया फिर ये डिजिटल है फिर ये एनालॉग बदल गया, तो इनको जो कन्वर्ट कर रहा है उसके लिए एक स्पेशल डिवाइस यूज होता है जिसका नाम है मोडम मोडम की फुल फॉर्म है मोड्यूलेटर डी मोड्यूलेटर मोडम क्या काम करता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में बदल देता है डिजिटल को एनालॉग में बदल देता है उसके अलावा मोडम कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कंप्यूटर और टेलीफोन लाइंस के बीच में हम क्या यूज करते हैं मोडम यूज करते हैं जो टेलीफोन से होते हैं वो कौन से सिग्नल भेजते हैं एनालॉग भेजते हैं कंप्यूटर कौन सा भेजता है डिजिटल भेजता है तो मोडम क्या करेगा जब कंप्यूटर से टेलीफोन के पास उसको सिग्नल भेजना है तो वो डिजिटल को एनालॉग में बदल देता है और जब मोडम को टेलीफोन से कंप्यूटर के पास सिग्नल भेजना है तो वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में बदल देता है अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक बार फिर से रिमाइंड करके देखना ठीक है इतना हमें समझ में आया अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आकार के आधार पर पे इंग्लिश में लिखा हुआ है एक बार इसको रीड कर लीजिएगा जिनको भी इंग्लिश में चाहिए ठीक है तो ये सेम ही बात है जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको नीचे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखा हुआ है साइज के आधार पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रो कंप्यूटर क्यों है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं मिनी कंप्यूटर क्यों नहीं कहते तो देखिए क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है जो प्रोसेसर यूज होता है वो कौन सा है आपका माइक्रो प्रोसेसर इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था किस कंपनी ने बनाया था किन्होंने बनाया था कब बनाया था तो ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई कमेंट करके बताइएगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है ठीक है इंटेल कंपनी जो होती है आपकी वो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर बनाती है मार्केट में अवेलेबल करवाती है आपने देखे होंगे इंटेल की चिप आती है जो एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है इसका मतलब ये माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है आपके सिंगल यूजर सिंगल एक होता है सिंगल यूजर एक होता है मल्टी यूजर सिंगल यूजर का मतलब कि एक टाइम पे एक ही यूजर काम करेगा मल्टी यूजर का मतलब होता है एक टाइम पे बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या है आपका सिंगल यूजर है एग्जाम्पल देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर ऑल इन वन पीसी लैपटॉप नोटबुक टैबलेट पीसी सी या फिर पी पीडीए की फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस तो ये सब क्या है आपके यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स है ठीक है ये कुछ कंपनियों के नाम है देख सकते हो आप जो माइक्रो कंप्यूटर मार्केट में बेचती है ठीक है ये हमें समझ में आया ये यहाँ पे इंग्लिश में मैंशन है चलिए अब बात किसके कर लेते हैं हम मिनी कंप्यूटर की तो मिनी कंप्यूटर क्या है मल्टी यूजर है इसका मतलब एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं और अगर हमसे पूछा जाए कि कितने काम कर सकते हैं तो आठ यूजर एक साथ काम कर सकते हैं ठीक है यहां पे अगर हम साइज की बात करें तो जो माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर है उनका साइज आपके माइक्रो कंप्यूटर के बराबर होता है पहली बात तो साइज माइक्रो और मिनी दोनों का क्या है इक्वल है कार्य करने की क्षमता वर्किंग कैपेसिटी वर्किंग कैपेबिलिटी स्टोरेज कैपेसिटी स्पीड ये सब क्या है इसकी माइक्रो कंप्यूटर के कंपेरिजन में ज्यादा है लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसकी तुलना में उसके कंपैरिजन में कम है तो एक तरह से ये बात समझिएगा ये क्या है माइक्रो कंप्यूटर ये क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर दोनों के बीच में कौन सा आता है मिनी कंप्यूटर आता है मिनी कंप्यूटर माइक्रो से एडवांस है लेकिन मेन फ्रेम से कम है इतना में समझ में आया यूज कहाँ होते हैं बिजनेस बैंक फैक्ट्रियां बीमा कंपनियां आदि एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं एचपी नाइन ट्रिपल जीरो रिस्क सिक्स ट्रिपल जीरो ए एस फोर डबल जीरो मिनी एटसेट्रा अब यहां पे देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है इंपॉर्टेंट ये इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा ठीक है सेम वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई नेक्स्ट आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज और यहाँ पे वर्किंग कैपेसिटी इन सब में मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से क्या है ज्यादा एडवांस्ड है हजारों माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे यूज होते हैं फास्ट है मल्टी यूजर है कॉस्टली है मेन फ्रेम से क्वेश्चन ये आता है कि नेटवर्किंग में कौन सा कंप्यूटर यूज होता है तो नेटवर्किंग में आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है ठीक है एग्जाम्पल क्या है आपके आई बी एम थ्री सेवन जीरो काम करते हैं घंटे काम करते हैं बैंकिंग में भी हम जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसको यूज कर लेते हैं जो बड़ा एक नेटवर्क बनाना होता है ना हमें उसमें उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा लास्ट है सुपर कंप्यूटर ये हर तरह से क्या है पावरफुल है स्पीड इनकी फास्ट होती है हजारों माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं साइज एक रूम के बराबर होता है इनका यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है ये क्या है आपके जो आ, इंडिया है उसके सुपर कंप्यूटर्स है कुछ ना, नाम मैंने मैंशन किए हैं और भी बहुत सारे हैं हमारे पास परम ईशान परम सिद्धि ए एआई ए आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रत्यूष और मिहिर ये क्या है आपके यहाँ पे एंड परम सिद्धि ए आई फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है इंडिया का हमारा ये क्या है आपके इंडिया के सुपर कंप्यूटर अब यहाँ पे वर्ल्ड वाइड और इंडिया के कुछ हम यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे तो अगर क्वेश्चन आए कि मतलब या विच वन इज द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और कब आया तो परम पहला सुपर कंप्यूटर था और अगर सीरीज पूछी जाए तो परम एट ठीक है ये आपके इंडिया का हमारे इंडिया का क्या है पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि उन्नीस में आया सेकेंड क्वेश्चन है कि इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर है उसके जनक किसे किसे माना माना जाता है सुपर कंप्यूटर के फादर किसे माना जाता है इंडिया में तो विजय पांडुरंग भाटकर ये क्या है इन्होंने जो आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम वो इन्वेंट किया था डिजाइन किया था इनको पद्म भूषण और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी मिले हैं एंड जब हमारा जो परम सुपर कंप्यूटर आया था उस टाइम पे वो सेकेंड फास्टेस्ट कंप्यूटर था इन द वर्ल्ड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ़ परम 8000? तो यहाँ पे परम की फुल फॉर्म होती है पैरेलल मशीन एंड परम का मीनिंग क्या होता है सुप्रीम सर्वश्रेष्ठ ठीक है uh, मीनिंग भी पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि परम सुपर कंप्यूटर को कहां पे किया, गया, कहां पे किया गया तो सी क्या है फाउंडर ऑफ सी डेक तो डॉक्टर विजय भाटकर क्या है यही सीडैक सीडेक कंपनी के फाउंडर है वर्ल्ड वाइड अगर हमसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था दुनिया के में आ, पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया वर्ल्ड वाइड सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है पिता कौन है तो ये जो अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ पे देखिए जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो आपका 1964 में आया था 1964 में आया किसने बनाया था सैम्यर क्रे ने बनाया था तो मतलब वर्ल्ड वाइड कौन फादर हुए सुपर कंप्यूटर के सैम्यर क्रे हुए अब इन्होंने कौन सा सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया सी डी सी डबल सिक्स डबल जीरो क्या माना जाता है पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है एंड इसकी स्पीड क्या है आपकी वन मेगा फ्लोप है अब यहाँ पे देखिए कई बार आपको क्या है कि क्वेश्चन uh, देखने को मिलेगा कि सी डी सी डबल सिक्स डबल जीरो ऑप्शन में ना देके क्रे वन ऑप्शन में मिलेगा एंड पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर तो क्रे वन वाइज मतलब कि सैमियर क्रे ने ही इनको डिजाइन किया था इनका नाम देखो क्रे वन इन्हीं के नाम पे है तो क्रे वन वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है क्योंकि इसके स्पीड वाइज ये क्या था कैपेसिटी वाइज ये और भी ज्यादा एडवांस था तो ज्यादातर आपको क्वेश्चन में आंसर्स में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्रे वन आपको देखने को मिलता है ठीक है दोनों नहीं मिलेंगे एक ही मिलेगा अब आती है बात कि जो आपका सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड किसमें मेजर की जाती है तो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है फुल फॉर्म इंपोर्टेंट रहेगी फ्लोटिंग सेकेंड अगर यहाँ पे जी फ्लॉप होता तो गीगा फ्लोटिंग सेल्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अभी 24 का मैंने अपडेट नहीं किया है 23 पे ही हम कर रहे हैं 24 का भी अपडेट अगर आपको कुछ मतलब ऐसा मुझे ऑथेंटिक सा प्रूफ नहीं मिला है अभी तक 24 के लिए ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग ही हुई है अभी तो इसीलिए 23 की हम बात करेंगे तो 23 में नवंबर तक आपका जो फर्स्ट लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या है आपका फ्रंटियर है ठीक है अभी जो 24 की अगर बात करें तो एक जूपिटर कम्प्य, सुपर कंप्यूटर का नाम आ रहा है जो अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है मतलब जो अभी एक्टिव नहीं हुआ है वो चल रहा है तो इसीलिए जूपिटर कंप्यूटर का यहाँ पे देखिए फ्रंटियर ही चल रहा है अभी तक लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर अब यहाँ पे देखो विच इज द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया 23 तो एरावत इंडिया की बात करें तो आपका एरावत है जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है उसमें एरावत की सेवन सेवनटी फिफ्थ रैंकिंग रही है ठीक है सीडेक कंपनी में ही ये असेंबल है एंड ये कंपनी पुणे में है वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है फ्रंटियर आपके यूएस का है विच कंप्यूटर इज कॉल्ड द बिग आयरन बिग आयरन किसे कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को कहा जाता है ठीक है तो ये क्या हो गई आज की हमारी क्लास होगी क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करिएगा थैंक यू